हमारा बेड होगा 3, 4, 5, 6। अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं ले मार्केट। तो आज है day 2, जब तक ले पैलेस चलते हैं। अब शांति स्तूपा और जाएंगे। फुल फुल आज हमारा day 3 लद्दाख। काउंट करते करते 10 बज गए। 2576.4 किलोमीटर वेट करना पड़ेगा। हालत खराब हो रही है उसकी। सही में बट वो सरदर्द को लेके मत बैठ। day 4 इन लद्दाख। अम्मा गेस्ट हाउस। बाय आंटी। रोड अच्छी है। ये नहीं है कि 2 बजे तक खुल जाए। इस ब्रिज पे चल रहा है काम। Now we are finally at Turtuk village। और अब ये इंडिया के अंदर आता है। ये आ गई है हमारी पाकिस्तानी डिश। हुंदूर का स्टे आज का। day 5 इन लद्दाख। और ये है हमारा सेटअप पेट्रोल का। ये रोड बंद है। बहुत ही कच्चा रास्ता है। ऐसा ही रहेगा क्या पूरा ही? एक राहुल गांधी भी आ रहे हैं। स्लो स्लो स्लो। जुगाड़ का सेटअप अभी के लिए। क्या क्लियर बादल है। आज है day 6 इन लद्दाख। 3 Idiots की शूटिंग लोकेशन पे। 50 रुपीज पर पर्सन। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा व्यू। ब्रो वेयर आर द स्टार्स। तो आज है day 7 और हम हैं हाले में। और ये है हमारा स्टे। रात को काफी अंधेरा था तो पता नहीं चल रहा था। और ये है इसके आसपास का व्यू। अभी तक सनराइज नहीं हुआ है और बज गए तकरीबन 6। रात को वही हमने डिनर किया। उसके बाद में बोनफायर, थोड़े से हाथ वाथ सेके। और यहाँ कहीं ये जो चेयर पड़ी है, यहाँ से हमने टेलीस्कोप के थ्रू पहले हमें मून दिखाया गया, वो जो इस डायरेक्शन में था। और फिर हमें सैटर्न और जुपिटर दोनों दिखे। तो मून ज़्यादा क्लासिक दिखा और सैटर्न और जुपिटर फिर भी छोटे छोटे दिखे। तो वंस इन ए लाइफ टाइम ठीक है। मून लेकिन बहुत सही था। और आज देखेंगे ऑब्जर्वेटरी। वो है ऑब्जर्वेटरी उस पहाड़ के ऊपर। तो वहाँ जा पाते हैं कि नहीं ट्राई करेंगे, पूछेंगे कि क्या है स्पेशल वहाँ का। पहले हमने सोचा था सोमवरेरी चलेंगे। और सोमवरेरी मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी तो उसमें वही है कि मोर और लेस वहाँ पे एक लेक है। तो लेक ऑलरेडी पेंगोंग में देखी है तो इतना मन नहीं है। और यहाँ से ले अगर हम रास्ता पकड़ते हैं तो बीच में हॉट स्प्रिंग आती है एक गांव में। गांव का नाम मैं मेंशन कर दूंगा। अब हॉट स्प्रिंग थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस रहेगा तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हॉट स्प्रिंग वाला सेलेक्ट करते हैं। और बाकी देखते हैं। पेट्रोल भी अभी हमारे पास खूब है तो शायद ले तक पहुँचते पहुँचते पेट्रोल बच जाएगा। और अभी सनराइज जस्ट होने वाला है तो बस ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे आराम से। और पहले पूछ लेंगे कि ऑब्जर्वेटरी में क्या खास है। कॉटेज से जस्ट चेकआउट करके अब निकल रहे हैं हम ऑब्जर्वेटरी की ओर। देखते हैं कैसी है। और वो रही हमारी ऑब्जर्वेटरी। और यहाँ पे गाड़ी पार्क करके, क्योंकि इधर से गाड़ी आगे अलाउ नहीं है। और वो रहा ऑब्जर्वेटरी। बंद लग रहा है पूरा खंडर टाइप का है। कोई नहीं है। अपने शटर ऊपर करो, देख के चले जाओ। और लॉन्डो ने दिल भी बना रखा है इधर। प्रेजेंटेशन देखने के बाद में अब टेलीस्कोप देखने जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन काफी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है। और ऐसा कुछ है टेलीस्कोप। ये हमारी विजिट कंप्लीट हो गई है। बस कोई बताने वाला नहीं था, बस स्लाइड्स थी 3-4 स्लाइड्स और टेलीस्कोप देख के आ जाओ। और ये तो बताओ तो खुद से
ऑब्जर्वेटरी है, सेकंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है, ये भी स्लाइड में लिखा हुआ था। और बैंगलोर से ऑपरेट होती है, बैंगलोर से ऑपरेट होती है, ये भी स्लाइड में लिखा हुआ था। और बस ये डोम है जो रोटेट होता है, 270 किलोमीटर डिस्टेंस है। बाकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, चुपचाप आओ, देख के चले जाओ, चुपचाप। हाँ, आधे घंटे का, आधा घंटा लगेगा, बस टेलीस्कोप देख के चले जाओ। कोई दिखाने वाला कोई नहीं है, बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, कोई दिखाने वाला नहीं है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। अब हम भी निकलते हैं, पहले आर्मी कैफे जाएंगे, वहाँ से नेट कनेक्ट करके घर वर पे बात करते हैं। अब घर पे थोड़ा बात बात करने के लिए यहाँ हम रुके हैं, ये है मिल्की वे कैफे, तो ये भी ऑपरेट होता है आर्मी वालों की तरफ से। और इसके बाद निकलेंगे चोमाथांग हॉट स्प्रिंग देखने के लिए। तो अभी अभी जस्ट हम पहुंच गए लोमा विलेज 1:30 बजे से, और अब हमें चोमाथांग के लिए पहले क्रॉस करना पड़ेगा न्योमा विलेज, जो कि है यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर, और चोमाथांग टोटल है 70 किलोमीटर। तो आज काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो आराम से लंच वंच करके पहुँचेंगे चोमाथांग। और चोमाथांग से जस्ट पहले हम रुके हैं कहाँ पे, न्योमा। हम रुके हैं न्योमा विलेज के इसमें, और बहुत ही घटिया खाना अभी तक का, और अब निकलेंगे चोमाथांग के लिए। बीच में माही मोनेस्ट्री आती है, देखेंगे अगर मन पड़ेगा तो, इसकी बातें मैं बताना। माहे तक तो रोड बहुत सही थी, जो हमारा नोवा ब्रिज था उसके बाद से माहे तक बहुत सही रोड थी। मेरा वापस कच्ची रोड स्टार्ट हो गई है, और वो रहेगी अराउंड 5 किलोमीटर। हमारा ये सिस्टम थोड़ा सा ढीला हो गया था, तो अभी इसको टाइट करके, और यहाँ से है 20 किलोमीटर, और तो अब निकलते हैं। विलेज में हम घुसे थे चोमाथांग के, तो उधर तो कुछ होम स्टे की में इतनी अच्छी वाइब नहीं आई, और यहाँ हाईवे से जस्ट नीचे उतरते ही ये है रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट में हम आज का स्टे करने वाले हैं, और ये हमारा पहला ऐसा रिजॉर्ट होगा जहाँ पे हम 5 बजे पहुँच गए, बाकी सब जगह रात को। और ये रिवर साइड रिजॉर्ट है, और ये हमें पड़ा है तकरीबन 3,3200 रुपये 800 पर हेड पे, डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। और यहाँ पे हमारे शूर भी लगे हुए हैं, और पेट्रोल भी ख़त्म है, लेकिन डिले है यहाँ से 150 किलोमीटर ही, तो काम चल जाना चाहिए। और ये हमारी टंकी जो कि लटक चुकी है, तो रास्ते में परेशान किया था, तो ये बंजी रोप हमने बांधी है इसके। तो अब बस रूम वूम में सामान रख के थोड़ा हॉट स्प्रिंग को एंजॉय करते हैं। हॉट स्प्रिंग बाद में दिखाएंगे, अभी सारा एक्साइटमेंट आउट हो जाएगा। अभी ये है हमारा रूम, रूम बहुत सही है, सफाई एकदम कड़क, और ये वॉशरूम। आज की राइड तो ज्यादा परेशान नहीं करी है। इंडस रिवर के साइड में हम पी रहे हैं कॉफी हमारे रिजॉर्ट की तरफ से। कॉफी कैसी है? ओके ओके।
हमारे रिजॉर्ट के जस्ट साइड में। धुआं निकल रहा है, गर्माहट लग रही है थोड़ी थोड़ी पैरों में। पैरों पे पानी करता रहना। हाँ गर्म पानी है, गर्म नहीं पता नहीं कैसा पानी होगा। हॉट स्प्रिंग तो है लेकिन अभी पानी फ्लो नहीं कर रहा था, गंदा पानी हो रखा है बहुत ज्यादा। और ये रहा एक लाइव हॉट स्प्रिंग, यहाँ से धुआं निकल रहा है, पूरा बढ़िया धुआं निकल रहा है, बढ़िया बुलबुले निकल रहे हैं। ये रहा बुलबुले वाला लाइव बुलबुले तो ये निकल रहे हैं लाइव बुलबुले। पूरे स्पॉट्स पे बहुत सारी हॉट स्प्रिंग है और गंदा पानी बहुत ज़्यादा हो रखा है और वाइट भी हो रखा है इस सल्फर के कारण। और हमारे होटल के जस्ट साइड में भी एक हॉट स्प्रिंग है और रूम के जस्ट पीछे भी हॉट स्प्रिंग है, तो मोस्टली वो नहाने वाने के लिए गर्म पानी उसी में से लेते हैं, मतलब उस पानी को यूज़ करके नॉर्मल पानी को गर्म करते हैं। और यहाँ पे पीने का पानी भी हमें मतलब मिनरल वाटर दिया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं कि नॉर्मल वाटर यहाँ पे यूज़ नहीं करते। और जो नॉर्मल वाटर भी अगर हम हाथ वाथ धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो भी चिकना चिकना सा पानी है थोड़ा। ये वाला तो तगड़ा बॉयल हो रहा है, धुआं भी बहुत ज़्यादा। अंडे की सब्जी है, रोटी चावल और आलू पत्ता गोभी। ब्रेडा कश्मीर की फीलिंग लेता हुआ, ऐसा लगा सियाचिन में खा रहा। गुड मॉर्निंग, और आज है काइंड ऑफ हमारा लास्ट डे इन लद्दाख, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग ही हमारी फ्लाइट है। और अभी हम हैं चौमाथांग रिवर साइड रिजॉर्ट, ये हमारी बाइक्स। और यहाँ पे अभी मौसम बहुत तगड़ा है, 6 बज चुके हैं। और आज का प्लान कुछ ऐसा है, क्योंकि आप अगर इस सीरीज़ से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि हमने सेकंड डे में कुछ नहीं किया था ज़्यादा, बस ले पैलेस और शांति स्तूपा घूमा था। तो आज का हमारा प्लान यही है कि हम घूमेंगे गुरुद्वारा पत्थर साहिब, मैग्नेटिक हिल और संगम। तो ये 3 चीज़ें आज घूमने का प्लान है। और यहाँ से गुरुद्वारा है अराउंड 150 किलोमीटर, तो ये 150 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे दिखा रहा है, तो उतने में हम कवर करेंगे। और उसके बाद हम चेक इन करेंगे हमारे होटल या हॉस्टल में, जो भी रहेगा हम बुक कराएंगे, अभी तक कुछ बुकिंग नहीं कराई है। और यहाँ पर रिवर साइड भी हॉट स्प्रिंग है, लेकिन पानी का फ्लो ज़्यादा होने के कारण वो वाली हॉट स्प्रिंग अभी एक्टिव नहीं है, मतलब दिखेगी नहीं, एक्टिव तो होगी शायद, अंदर तो हो ही रहा होगा, लेकिन पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे इन बंदों ने भी सेटअप तगड़ा कर रखा है, गाड़ी लगाई है, गाड़ी के आगे तिरपाल बिछाया है, और उसके बाद कुछ गर्म रजाई वजाई कम्बल वम्बल वो, और उसके ऊपर स्लीपिंग बैग डाल के सो रखे हैं। और बढ़िया ये लोग अपना सेटअप, खाना बनाने का सेटअप भी इन्होंने कर रखा है। अब यहाँ पर पेट्रोल ख़त्म हो गया हमारा और फाइनली टाइम आ गया इनको खाली करने का। ये मशक्क़त के बाद निकले हैं हमारे कैंस, और अब देसी जुगाड़ से डालते हैं फ्यूल। साफ तो है पानी, बंद कर दे टैंकी। तीनों कैन हो गए खाली, और 15 लीटर के कैन थे, दोनों बाइक्स में आ गए 7.5 लीटर। और अब इनको यहाँ बांध के वापस बाइक वाले को दे देंगे, उसने बोला 50 रुपये वापस दे देगा एक कैन के। अभी ले है यहाँ से 90 किलोमीटर, और अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारे लॉन्डो का, वो थोड़े से पीछे रह गए। और ये है खूबसूरत सी लोकेशन, नदी का बहाव, और कोई कम गांव में है। और हमारे लॉन्डे भी अभी आ गए, थोड़ा सा
मूत्र विसर्जन के लिए गए हैं ब्रिज के नीचे, थोड़ा इस पानी को और नमकीन बनाने, और फिर निकलते हैं लेह के लिए 90 किलोमीटर। बीच में एक जगह रुकेंगे कैफे में, जहाँ पे थोड़ा नाश्ता पानी हो सके। और लद्दाख की हवा निकल चुकी है अब कैसे ना कैसे करके गुड़गांव पहुँचे, ऐसा सीन हो रखा है अभी। अब यहाँ हम रुके हैं, उपशी नाम का गांव है, यहाँ से ले अभी भी 50 किलोमीटर दूर है। और ये रही अपनी बाइक, अब देखते हैं यहाँ पे पराठे वराठे खाने या फिर चाय लाएंगे। पनीर ही में नूडल्स खा के परेशान हो गए, तो आखिरकार देसी फूड। ये कॉल ले सकते हैं अच्छे हैं। नींबू तो नहीं मिले, नींबू ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक। अच्छा लेमन टी। पराठे तकड़े बनाए भैया, बना दो अभी देखते हैं। एक बना दो आलू प्याज और है? आलू प्याज। और ये था हमारी ट्रिप का बेस्ट पराठा। और उसके बाद अभी ले है 50 किलोमीटर, तो निकलते हैं ले की साइड। हानले के बाद ले के लिए हमें पहला पेट्रोल पंप मिला है खारू में, और यहाँ पे सबसे लंबा मिलिट्री स्टेशन भी हमें यहीं लगा। तो वीडियोस यहाँ पे अलाउ नहीं है मिलिट्री स्टेशन की, कोई भी मिलिट्री स्टेशन की, तो वीडियोस नहीं ली, बट सबसे लंबा मिलिट्री स्टेशन वही था। और अब पहुंच गए हम ले। हम लोग ले का ट्रैफिक क्रॉस करके मैग्नेटिक हिल तो पहुंच गए, लेकिन टेस्ट कैसे करें इस फिनोमिनन का। पार्क योर व्हीकल, खड़ी कर भाई उधर जाके, बाइक लगा दे बीच में सड़क के। पीछे ही जाती है, पीछे ही जाती है। मैग्नेटिक हिल तो हम तो एक्सपीरियंस कर नहीं पाए क्योंकि हमारे पास टू व्हीलर थी, जिनके पास फोर व्हीलर है वो फिर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अभी हम आ गए हैं संगम, तो ये संगम है इंडस रिवर और जंस्कार का, जो दोनों मिलकर इंडस रिवर बन जाती है। वैसे दोनों का कलर डिफरेंट रहता है, काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा, लेकिन आज दोनों कलर सेम होता है। और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी हो रही है अभी, ये रिवर राफ्टिंग हो रही है अभी। तो ये है हमारा संगम, नीचे कैफे वगैरह ये सब बहुत कुछ खा पी चुका है, तो कैफे का इतना मन नहीं है। आप चलते हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब। गुरुद्वारा पत्थर साहिब का इतिहास गुरु नानक देव जी की 1517 ईस्वी की यात्रा से जुड़ा है। उन्हें यहाँ परमात्मा की साधना करते हुए एक राक्षस ने चट्टान से मारने की कोशिश करी, जो किसी चमत्कार के कारण मोम बन गई, और इस चट्टान में आज भी गुरु जी की बॉडी का शेप है। गुरुद्वारा के दर्शन करके अब निकलते हैं हमारे लद्दाख के लास्ट स्टे और सबसे किफ़ायती स्टे। देखते हैं अगर रूम पसंद आएगा तभी कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज तो अब निकलते हैं हमारे ले के स्टे के लिए। तकरीबन बच गए 3 और गुरुद्वारा बहुत सही था, पूरा मेंटेन बाय आर्मी। यह है हमारा लद्दाख का लास्ट स्टे। अंदर आने का तो थोड़ा लफड़ा था, बहुत पतली गली और बहुत ज़्यादा अंदर है मार्केट से, लेकिन प्राइस थोड़ा सा मैनेजेबल है, 1000 रुपये 4 बंदे के, तो
इसलिए हमारा आज का स्टे रहेगा। और आप चलेंगे मार्केट। थोड़ा सा फ्रेशन अप होके अब निकल रहे हैं हम बाइक जमा कराने। दोनों बाइक की कंडीशन एकदम फर्स्ट क्लास, और बस इशू यही है कि दोनों बाइक की आधी आधी टंकी भरी हुई है। अब देखते हैं वो भैया कुछ पैसे वैसे वापस देंगे कि नहीं। इसकी भी आधी टंकी भरी हुई है तकरीबन। और अब हो गई हमारी ट्रिप समाप्त। 23594 बाइक वाइक हमने डिपॉजिट कर दी। अब तो पेट्रोल का ये सीन हुआ कि बाइक वाला बिल्कुल भी पेट्रोल खरीदेगा ही नहीं, मतलब जितना चाहे आधी टंकी हो वो नहीं लेगा मतलब। तो हमने बात करी अपने जहाँ पे हमारा स्टे है उससे, तो उन लोगों ने वही 1000 रुपये के जगह, मतलब 1000 रुपये का पेट्रोल था उसके 600 रुपये दे दिए। अभी दूसरा इशू हमारे साथ है ऑक्सीजन सिलेंडर का। तो ले तो लिए था हमने, मतलब हमने भी हॉस्टल में लिया था किसी बंदे से 500 रुपये में 2 कैन। तो अब वापस अगर मेडिकल में बेचने जा रहे हैं तो वो लोग नहीं ले रहे हैं, और हॉस्टल है नहीं जो किसी और को पकड़ा है। तो अभी दूसरी जगह देखना पड़ेगा। और अभी कुछ छुटपुट खाकर अब निकल रहे हैं फेमस तिब्बतन किचन में। तो भाई यहाँ पे तगड़ी भीड़ है और नंबरिंग वाला सीन है। तू बैठ जाता है इसके पीछे है? वो तो बैठ थोड़े टाइम के लिए तो बैठ। और ये होता है सनस्क्रीन ना लगा के राइड करने का नतीजा। तो ये नाक पे देख रहे हैं, ये बर्न हो रखा है, हाथों में भी बर्न हो रखा है। तो अगर आप राइड कर रहे हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगा लेना। मैंने नहीं लगाई थी, बाकियों ने लगाई थी तो उनके नहीं हुआ इतना, मेरे कुछ ज़्यादा हो गया। और ये है बिना ग्लव्स के गाड़ी चलाने का नतीजा, कम्प्लीट सनबर्न हाथों का, इस वाले हाथ का भी और इस वाले हाथ का भी।